गाइस मेरा नाम वैभव और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वैभव टैगो को। आज हम रिव्यू करने वाले हैं सम्राट पृथ्वीराज मूवी के रिव्यू के बारे में। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें स्टोरी की तो इसमें हमको सम्राट पृथ्वीराज के शौर्य की कहानी दिखाई गई है। उन्होंने कैसे कैसे जंगे लड़ी, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया और उनकी पूरी जिंदगी में क्या क्या चीजें हुई, इसको देखने के लिए तुमको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी के बेस्ट पॉइंट्स हैं, इसका ड्रामा जो है वो काफी बढ़िया है। इसमें डायलॉग्स लिखे गए हैं वो काफी डीप मीनिंग के साथ, अगर तुम उन डायलॉग्स को ध्यान से सुनोगे तो तुमको उसका मीनिंग पता चल जाएगा। इसको काफी रिसर्च के साथ बनाया गया है तो ये इतिहास के साथ काफी अच्छी फिट बैठती है। और भाई अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा लगा। काफी लोग बोल रहे थे कि उनका फेस उसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहा है, मुझे तो काफी अच्छे लगे। चिल्ला का परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया है और उन्होंने संयोगिता का रोल भी बहुत परफेक्ट किया है। आशुतोष राणा, सोनू सूद और संजय दत्त काफी बेस्ट, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस थी उनकी भी। भाई जो सिनेमेटिक शॉट्स दिखाया गया ना वो ड्रोन वाले, वो भी काफी बेहतरीन लगे मुझे। और कलर करेक्शन, वो तो भाई अलग ही कलर करेक्शन था। जब बैटल सीन्स आ रहे थे उसके हिसाब से भी काफी कलर करेक्शन देखने को मिला मुझे, देख के भाई वो तो मजा ही आ गया। के निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये काफी फास्ट है, अगर ये धीरे धीरे चलती तो काफी और मजा आता। जो इसका स्क्रीन प्ले है वो भी काफी मिक्स मैच हो गया था, कैरेक्टर्स कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं ये तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कैरेक्टर से अटैचमेंट नहीं होगा। इसमें तुमको ना लव स्टोरी तो देखने को मिलेगी और रोमांस तो देखने को मिलेगा ही, और जो इसका मेन पॉइंट है ना भाई पृथ्वीराज का शौर्य, उसमें जो एक्शन और जो ड्रामा तुमको देखने को मिलेगा ना यार वो काफी बढ़िया है। तुम पूरी फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हो बिना किसी झंझट के यार, और जाओ देखो इस मूवी को और बताओ कि हमारे पृथ्वीराज कितने बड़े महान राजा थे। मूवी का जो बीजीएम था वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो काफी ठीक ठाक बीजीएम था, लेकिन उसमें का एक गाना हरी हर हरी हर वाला काफी मुझे बढ़िया लगा। जब एक्शन सीन्स आ रहे थे ना उसके साथ वो काफी फिट बैठ रहा था। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा ये काफी अच्छी मूवी है, जो कि एक पीरियड ड्रामा बनी हुई है जो कि पृथ्वीराज के गौरव को हमको दिखाती है और उसके बारे में बताती है। तो तुम पूरी फैमिली के साथ इसको जाना देखना और मुझे बताना कि तुमको मेरा रिव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।